संघ अपने स्थापना काल से समाज को संगठित करके राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है, आज 97 वर्ष की यात्रा के बाद भी वह ध्येय धुंधलाया नहीं है। संगठन, सेवा और स्वधर्म गौरव का जो भाव स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया था, उसी की प्रेरणा से आज 40 से अधिक अनुषांगिक संगठन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 1940 के दशक में दक्षिण में संघ विस्तार का कार्य देख रहे संघ प्रचारक श्री दादाराव परमार्थ से जब संघ का अर्थ पूछा गया, तो जवाब में उन्होंने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू राष्ट्र के उदय से जुड़ा जीवन लक्ष्य है। दादाराव परमार्थ का व्यक्तित्व उन संघ मूल्यों के आधार पर विकसित हुआ था जो उन्होंने संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के घनिष्ठ साहचर्य में काम करते हुए आत्मसात किए थे। उनके सार गर्भित काव्यात्मक मंत्र में राष्ट्र का मूल विचार, उसकी अभिलाषा, उसका इतिहास आदि सब कुछ समाहित था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र के बीच अलौकिक गठबंधन की बात कही गई है। परंपरागत तौर पर संघ एक संस्था मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है। हिंदू राष्ट्र में संघ का उदय एक स्वाभाविक और चैतन्य प्रक्रिया थी। संघ राष्ट्र के क्रमिक विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यही कारण है कि अस्तित्व में आने के बाद से यह संगठन निरंतर उत्थान की ओर बढ़ रहा है। इस तथ्य को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें आज से 97 वर्ष पूर्व विजयदशमी पर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा कहे गए शब्दों पर गौर करना होगा। उनके शब्दों की शाश्वत दृढ़ता और महत्ता पवित्र वैदिक मंत्रों जैसे पावन है। तब डॉक्टर साहब ने सरल लहजे में कहा था, आज संघ की शुरुआत हो रही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि आज मैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ की शुरुआत कर रहा हूं, या हम संघ की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर जी के कर्म में कभी कर्ता होने का अहम नहीं रहा। श्रीमद् भगवद् गीता के अनुसार किसी व्यक्ति का कर्म तभी कर्मयोग कहलाता है जब वह कर्ता की अहमन्यता से मुक्त हो। संघ की स्थापना का बुनियादी दर्शन भी यही है। संघ का मुख्य लक्ष्य वर्ग भेद और सीमाओं में उलझे बगैर समस्त विश्व के कल्याण और हित पर केंद्रित है। संघ के गठन के समय नागपुर के मोहिते के बाड़े में ली गई प्रतिज्ञा में देश के समाज को संगठित कर परम वैभव की प्राप्ति की बात कही गई थी। संघ की स्थापना से अब तक स्वयंसेवकों का एक ही मंत्र है, दूसरों को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा।